सीजर्स आर यूज फॉर रिमूविंग टैग्स ऑफ टिश्यू ड्यूरिंग जिंजिवेक्टमी. जो टिश्यू टैग्स होते हैं जिंजिवेक्टमी के दौरान जो रह जाते हैं वो हम ये सीजर से निकालते हैं. दूसरा, ट्रिमिंग द मार्जिन ऑफ फ्लैप. सीजर का काम क्या काम आती है? ट्रिमिंग द मार्जिन ऑफ फ्लैप. एनलार्जिंग इंसिजन इन पेरिडोंटल एब्सिस. जो पेरिडोंटल एब्सिस में हम जो इंसिजन होता है उसको एनलार्ज करने के लिए भी इसको यूज करते हैं. रिमूविंग मसल अटैचमेंट इन म्यूकोजिंजाइवल सर्जरी. तो ये सब यूज होते हैं सीजर्स के. तो इस तरह से दिखता है गोल्डमैन फॉक्स सीजर, जिसका कर्व्ड बेवल्ड ब्लेड होता है. तो ध्यान रखना है कि इसका जो आगे से टर्मिनल एंड है वो कर्व्ड है, वो कर्व्ड है और बेवल्ड ब्लेड है इसका. ये देखिए, फिर से देखते हैं हम इसको. तो आप इसे आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं पॉकेट मार्कर की. जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जो पॉकेट मार्कर होता है जिसे हम जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली क्रेग कैपलन पॉकेट मार्कर, इसमें एक साइड में टूथ होता है और दूसरे साइड में टूथ नहीं होता है, दूसरी साइड फ्लैट होती है. तो देखिए, ये है पॉकेट मार्कर, इसमें एक साइड टूथ है, दूसरी साइड इसकी फ्लैट है और ये लेफ्ट और राइट साइड इस तरह से अवेलेबल होता है. जिसे इसे बोला जाता है क्रेन कैपलन पॉकेट मार्कर. तो देखिए यूज कैसे किया जाता है इसको. इसके जैसे कि अभी हमने देखा दो एंड होते हैं, एक टूथ वाली साइड होती है, दूसरी फ्लैट साइड होती है. तो हम जब इसे पॉकेट में इंसर्ट करते हैं, नॉर्मली इसको हम फॉल्स पॉकेट में या जिंजिवेक्टमी करने के टाइम पॉकेट मार्क करने के लिए यूज़ करते हैं. तो देखिए कैसे यूज़ करते हैं. एक बार हमने ये इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट किया और जब डीपेस्ट पॉइंट में गया तो हम उसका जो टूथ वाला पोर्शन होता है हम उसे क्लोज कर देते हैं. तो देखिए क्लोज करने से क्या होता है कि यहाँ पर एक पंच मार्क आ जाता है, ब्लीडिंग पॉइंट का मार्क आ जाता है. और जब हम इस इंस्ट्रूमेंट को रिमूव करेंगे तो हम अब आसानी से मेकआउट कर सकते हैं कि इस ब्लीडिंग पॉइंट को देखकर कि बेस ऑफ द पॉकेट कहाँ पर है, और फिर हम इंसिजन अपना प्लान कर सकते हैं. तो ये क्रेग कैपलन पॉकेट मार्कर है, ये पॉकेट को मार्क करता है जिससे कि हम अपनी सर्जरी परफॉर्म कर सकें. मार्किंग द डेप्थ ऑफ सुप्रा बोनी पॉकेट. तो ये कहाँ यूज होता है? ये सुप्रा बोनी पॉकेट और जिंजिवेक्टमी के टाइम हम इसे यूज कर सकते हैं. और फिर हम उसके बाद एक बार ये ब्लीडिंग पॉइंट प्रोड्यूस होता है तो हम अपना इंसिजन प्लान कर सकते हैं. तो देखिए इस तरह से हम पॉकेट मार्क करते हैं और ये देखिए ये ब्लीडिंग पॉइंट प्रोड्यूस होते हैं, फिर हम अपना सर्जिकल इंसिजन प्लान कर सकते हैं. प्लाक डिस्क्लोजिंग सॉल्यूशन. अब हम बात करते हैं प्लाक डिस्क्लोजिंग सॉल्यूशन की. डिस्क्लोजिंग एजेंट इज अ प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड टैबलेट्स और लॉसेंजेस. तो ये जो प्लाक को डिस्क्लोज करने के लिए, प्लाक को बताने की प्लाक दिखे, ये उसके लिए एक एजेंट होता है. ये डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे कि लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है, टैबलेट फॉर्म में भी आता है और लॉसेंजेस की फॉर्म में भी आता है. बेसिकली इसमें एक डाई होती है जो प्लाक को कलर दे देता है सो दैट इट इज विजिबल. डिस्क्लोजिंग एजेंट इज यूज टू आइडेंटिफाई बैक्टीरियल प्लाक डिपॉजिट फॉर इंस्ट्रक्शन. देखिए अगर आपको बहुत शॉर्ट में याद रखना है कि यूजेस क्या है डिस्क्लोजिंग एजेंट की, सो दैट वी कैन मोटिवेट द पेशेंट, वी कैन एजुकेट द पेशेंट, वी कैन गिव इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट एंड इट इज यूज फॉर इवेल्युएशन एंड रिसर्च पर्पसेस. क्योंकि अगर प्लाक डिस्क्लोज होगा, प्लाक दिखेगा, तो हम पेशेंट को इजीली एजुकेट कर सकते हैं, पेशेंट को मोटिवेट कर सकते हैं. मोर ओवर ये बहुत रिसर्च पर्पसेस में भी यूज होता है. तो ये प्लाक डिस्क्लोजिंग सॉल्यूशन अवेलेबल है. तो इसमें बहुत सारे जो केमिकल होते हैं, जो एजेंट्स हैं, वो है आयोडीन सॉल्यूशन की प्रिपरेशन, डाइल्यूटेड टिंचर ऑफ आयोडीन, बिस्मार्क ब्राउन, एरिथ्रोसिन, फास्ट ग्रीन एंड फ्लोरेसिन. तो ये सब प्लाक को कलर देते हैं. यूजेस टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल हाइजीन मेंटेनेंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्लाक इंडाइसिस. जो प्लाक के इंडाइसिस होते हैं उन्हें बनाने में भी हमें ये हेल्प करता है. टू पर्सनलाइज द पेशेंट इंस्ट्रक्शन एंड मोटिवेशन फॉर सेल्फ इवेल्युएशन बाय द पेशेंट. हम पेशेंट को सेल्फ इवेल्युएशन के लिए भी दे सकते हैं कि वो जो ब्रशिंग है उसकी टेक्निक,
वो कितनी इफेक्टिव है, उसको सेल्फ इवेल्युएशन के लिए भी हम उसे दे सकते हैं। फॉर प्लाक कंट्रोल इन अभी डिस्कस किया, रिसर्च स्टडी में यूज़ किया जाता है विद रिगार्ड टू द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लाक कंट्रोल डिवाइसेस लाइक टूथ ब्रशिंग। और इसके क्या क्या यूजेज हैं, ये यूज़ किया जाता है रिसर्च स्टडी में विद रिगार्ड टू इफेक्टिवनेस ऑफ प्लाक कंट्रोल डिवाइस लाइक टूथ ब्रशेज एंड डेंटिफाइसेस। और डिस्क्लोजिंग सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है इन, और जब हम इवेल्युएट करना होता है अमाउंट ऑफ प्लाक रिमूवल आफ्टर पेरिडोंटल सर्जरीज बोन ग्राफ्ट। अब हम देखते हैं बोन ग्राफ्ट। तो ये देखिए, ये बोन ग्राफ्ट अवेलेबल है और ये जो बोन ग्राफ्ट है ये एलोप्लास्ट है और ये पाउडर फॉर्म में है, और ये देखिए दूसरा फॉर्म में है, ये पट्टी फॉर्म में है, ये है नोवा बोन, इसे बोलते हैं नोवा बोन पट्टी। तो ये दो बोन ग्राफ्ट अवेलेबल हैं डिपार्टमेंट में। फिर से देखते हैं, देखिए ये है पेरियोग्लास, ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है, ये है एलोप्लास्ट, दैट मीन्स इट इज़ अ सिंथेटिक मटेरियल। अब हम ये देखते हैं दूसरा, देखिए इस पे लिखा है नोवा बोन, ये भी बोन ग्राफ्ट है लेकिन ये पट्टी फॉर्म में अवेलेबल है, ये सिरिंज फॉर्म में अवेलेबल है, इसको इजी होता है यूज़ करना बहुत। अब क्वेश्चन जो इससे पूछे जा सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ ग्राफ, टाइप ऑफ ग्राफ, नेम ऑफ नेम, कोई भी नाम पूछा जा सकता है, आप एलोग्राफ का कोई नाम बताएं, ज़ीनोग्राफ का, इंडिकेशंस, प्रॉपर्टी ऑफ बोन ग्राफ, जैसे कि ऑस्टियो इंडक्शन क्या होता है, ऑस्टियो कंडक्शन जो कि हम ऑलरेडी अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, गाइडेड टिश्यू रीजनरेशन। ये देखिए ये है गाइडेड टिश्यू रीजनरेशन मेम्ब्रेन, तो ये है गाइडेड टिश्यू रीजनरेशन मेम्ब्रेन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डेफिनेशन आपको डिफाइन करना है, क्लासिफाई करना है, इंडिकेशंस और जनरेशंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरडेंटल ब्रशेस की। तो देखिए ये इंटरडेंटल ब्रश है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इंडिकेशंस कहाँ कहाँ इंडिकेटेड होते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरडेंटल स्पेसेस। तो इंटरडेंटल जो ब्रशेस हैं वो यूज होते हैं टू रिमूवल ऑफ डेंटल बायोफिल्म एंड डेब्रिस फ्रॉम द क्लोज कॉन्टैक्ट टाइट एरियाज, जहाँ पे इंटरडेंटल एरिया में के लिए यूज होते हैं, जहाँ पर सफिशियंट स्पेस अवेलेबल, जहाँ पर सफिशियंट स्पेस होना चाहिए, वी कैन यूज इट इन टाइट एम्ब्रेशर्स। ऑर्थोडोंटिक पेशेंट में यूज़ किए जाते हैं, फिक्स प्रोस्थेसिस के पेशेंट में यूज़ किए जाते हैं, डेंटल इम्प्लांट्स में, पेरिडोंटल स्प्लिंट्स के साथ यूज़ किए जाते हैं, स्पेस मेंटेनर्स के साथ ये यूज़ किए जाते हैं, और कनकेव प्रॉक्सिमल सर्फेसिस वेयर डेंटल फ्लॉस एंड अदर इंटरडेंटल एड कैनॉट रीच, और वो और जो भी एरिया जहाँ पे डेंटल फ्लॉस और अदर इंटरडेंटल एड नहीं पहुँच सकते। तो उसमें तीन टाइप के अवेलेबल होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एम्ब्रेशर टाइप। तो टाइप ए जहाँ क्लोज कॉन्टैक्ट होता है वहाँ हम फ्लॉस यूज़ कर सकते हैं। जो टाइप टू एम्ब्रेशर होता है जिसमें इंटरडेंटल पेपिले का सम बहुत थोड़ा अमाउंट ऑफ फ्लॉस होता है, उसमें हम ये इंटरडेंटल ब्रश यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब टाइप थ्री टोटल रिसेशन है उसमें इस तरह के हम ब्रॉड ब्रशेज यूज़ करते हैं।